गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा ऑल ऑफ यू, कैन यू ऑल स्टार्ट योर वीडियो प्लीज? नो सर, आई कांट स्टार्ट नो माय वीडियो सर। क्या हो गया बेटा? सर। डाटा प्रॉब्लम सर। डाटा सर वाईफाई रिचार्ज प्रॉब्लम? नहीं है सर। ओ सर वाईफाई रिचार्ज नहीं ओके। सर। सर दिस पे कॉल इज ऑफ स्कूल। हाँ यस। ओके सर दिस इज पिक ऑफ स्कूल ग्राउंड एंड दिस यस इज नियर बास्केटबॉल ग्राउंड। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेटा आरुषि, आपकी दीदी कैसी हैं? रोशि सर फीस टेकिंग क्लासेस। फीस टेकिंग क्लासेस? शी इज गुड। यस सर। वेरी गुड। हेलो बेटा, सो एनी डाउट? यस्टरडे आई गेव यू अ वर्कशीट आई थिंक। Yes, sir. So yesterday you gave a worksheet. Sir, it was mixed revision Yes, test sir. of decimals and fractions. Very Yes, good. sir. And sir, we have completed it all. Today we are going to Yes, discuss sir. it. And sir, we have completed it. ओके, वेरी नाइस। तो हैव यू ऑल कंप्लीटेड? यस। ये वाली थी है? No, sir, not this. It was not this. नॉट दिस। Sir, it was another one. अच्छा Yes, अच्छा sir. ओके, आई गॉट इट Then. आई गॉट इट आई गॉट इट आई अंडरस्टूड। ओके आई गॉट योर पॉइंट। Yes, sir. Let me see. Was it this one? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, any doubt in any question on this? No, sir. Sir, in this, Yes, sir. the ascending, descending one. You have doubt? Yes, sir, in ascending and descending one. ठीक है बेटा, Because ठीक we have है ठीक to dance in a math notebook. है। ओके ओके Sir, I am having problem in express the express as a decimal. ट्वेंटी Sir, starting. से डिवाइड करेंगे करेंगे 11 को, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ Sir, जाएगा। starting. 11 तो छोटा है ना 20 से, तो डेसिमल लगाएंगे Yes. क्वोशंट में और एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा दिया। फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं अभी। Yes, sir. ओके, सो पॉइंट लगाया, डेसिमल बढ़ गया, सॉरी डेसिमल लगा के जीरो बढ़ गया। नाउ 20 × 5 = 100, रिमाइंडर 10। अब डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है क्वेश्चन में, तो एक Yes, sir. जीरो हर स्टेप में फ्री मिलेगा आपको। 10 फ्री मिलता है हर स्टेप में डेसिमल लगने के बाद, तो 100 हो गया ये। फिर से 5 टाइम्स जाएंगे, 20 × 5 = 100, माइनस करा, रिमाइंडर 0। सो आंसर इज 0.55, 0.55 सर माइनस और जीरो। करें वेरी गुड। करेक्ट सबको एक्सप्रेस इज इम्प्रॉपर सर। फ्रैक्शन, 3 × 6 = 18 + 2 = 20, 20 upon 3। सर प्लीज टेल द
express as a fraction. Which one? This one? Express as a fraction, yes, sir. You wala? Yes, sir. Okay. This one. Express as a fraction, 0.041. डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए, थ्री डिजिट्स. ओके, सो रिमूव द डेसिमल, 0041 हो गया, हटा दिया डेसिमल, डिवाइड बाय 1000. ओके, बिकॉज डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं, इसलिए वी आर डिवाइडिंग बाय 1000. सो दिस इज 41 अपॉन 1000 आंसर. दिस इज द आंसर. यस सर, I am having problem in these. Okay, very good. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. ये वाला भी बताऊं? सेम ऐसे ही होगा. Yes. Six point zero three. Decimal के बाद count the number of digits, two digits after decimal. So divide by 100. हटा दिया decimal. Answer हो गया यही. Or if you want to express it as a mixed fraction, so your answer will be 6 whole 3 upon 100. Divide करके ही आ जाएगा. 6 whole 3 upon 100. ओके, यस. इसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. वेरी इजी. फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, 3, 4, 2 एंड 6. डिनोमिनेटर्स को देखिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यू फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. Because the fractions are not like fractions. ये like fractions नहीं है. तो like fractions बनाने के लिए क्या करते हैं? LCM निकालते हैं. So what is the LCM of all these numbers? It is 12. निकाल लीजिएगा, 12 आ जाएगा. आता है LCM निकालना? Yes sir. Yes. Okay. So LCM is 12. Now 2/3 first fraction उठाया. Denominator 12 कैसे बनेगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा? डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4. 3 × 4 = 12 होता है. सो इन द न्यूमरेटर आल्सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. ये बन गया 8/12. सेकंड फ्रैक्शन 3/4. अगेन डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? Sorry, we should multiply 4 by 3. So in the numerator also we will multiply by 3. We get 9/12. 1/2 multiplied by what is equal to the denominator should become 12. Is 6/6. So 6/12 ho gaya ye. 5/6 multiplied by what is equal to, so that the denominator becomes 12. कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2. So 5 × 2 = 10. Now all the fractions you can see the denominator is same, like fraction बन गए सारे. Yes, so now you can arrange in ascending order. सबसे छोटा 6/12, उससे बड़ा 8/12, उससे बड़ा 9/12 and सबसे बड़ा 5/12. Sorry, 10/12. Now you can write the original form of the number also. Originally kis form mein likha tha? 6/12 kya hai? 1/2. 8/12 kitna hai? 2/3 hai. 9/12 kya hai? 3/4 hai. And 10/12 kya hai? 5/6. Answer. Understood? Yes, sir. This is the ascending order. Fine.
सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द नेक्स्ट वन. यू ऑल विल ट्राई इट योरसेल्फ. स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट वन योरसेल्फ. अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. ठीक है. स्टार्ट डूइंग बेटा. नंबर्स थोड़े वैसे हैं. एलसीएम बहुत बड़ा सा आएगा इसका. छोड़ो मत करो. डोंट डू दिस बिकॉज डिनोमिनेटर बहुत बड़े बड़े हैं. मतलब बड़े नहीं है एक्चुअली. इनका एलसीएम बहुत बड़ा आएगा. द एलसीएम विल बी 280. सर प्लीज गिव. प्लीज सर डू नॉट गिव दिस इन एग्जाम. नहीं डोंट वरी. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब पेपर बनाता हूँ मैं तो आई थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके. मतलब हमेशा हमें इजी पेपर मिलता है. इजी तो नहीं बेटा एक्चुअली. आई थिंक कि हाँ थोड़ा आप लोगों का इजी बन रहा है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. लास्ट वन और टू इयर्स से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इजी बन रहा है. अदरवाइज आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए बच्चों को. एंड सेकेंडली फुल मार्क्स लाने के लिए बच्चों को जो बच्चा फुल मार्क्स लाएगा वो बच्चे को मतलब वही होना चाहिए जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है. सबके फुल मार्क्स भी नहीं आने चाहिए. ठीक है. सो आई कीप दिस थिंग इन माइंड. बट फिलहाल तो ऑनलाइन में थोड़ा वी आर मेकिंग अ लिटिल इजियर पेपर. यस एनीथिंग एल्स. एनी अदर डाउट. No other doubt. ठीक है फिर let's start with another worksheet. Okay sir. This one. Do you know how to add or subtract fractions? Yes sir. That's so easy. Okay and then start doing it. यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है. गिव योर आंसर इन लोएस्ट टर्म एंड इफ रिक्वायर्ड चेंज द आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन. अगर जैसे फॉर एग्जांपल योर आंसर इज कमिंग एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर इम्प्रॉपर आ रहा है आंसर तो मेक इट अ मिक्स फ्रैक्शन. ओके. एंड ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन में लोएस्ट टर्म में तो लिखना ही है. दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी. ठीक है. स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ यू.
Yes, any doubt? Anyone?